काबीना मंत्री महेंद्र सिंह की लताड़ के बाद भी करसोग की सड़कों की हालत नहीं सुधर रही है। सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तहसील मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी ही नेहरा वाया भंडारनू सड़क है जिसकी 5 साल पहले पक्का करने के बाद सुध ही नहीं ली गई। ऐसे में जगह जगह पड़े गड्ढों की वजह से वाहन चालकों सहित सड़क के साथ भवन मालिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग कई बार पीडब्ल्यूडी से सड़क की मरम्मत की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। ऐसे में थक हार कर अब स्थानीय लोग खुद ही घरों के आगे सड़क पर पड़े गड्ढों को पत्थर और मिट्टी से भर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना को रोका जा सके। स्थानीय निवासी सोनिया चौधरी का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि इसमें गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने में भी मुश्किल हो रही है। घर के बाहर सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें हम खुद भरने का प्रयास कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग करसोग डिवीजन के अधिशासी अभियंता अरविंद भारद्वाज का कहना है कि सड़क की मरम्मत का कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू किया जा रहा है। इस बारे में ठेकेदार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नमस्कार, मैं सोनिया चौधरी, स्थानीय निवासी नेहरा गांव। ये जो सड़क है लठहरी से लेकर एक्सचेंज बढ़ानू तक, इसके इतने बुरे हाल है आज के दिन में कि गाड़ी तो दूर, इसमें पैदल चलने को भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए, हम अपने घर के बाहर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनको हम खुद ही थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी खुद हेल्प करें, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो पता नहीं कितनी बार उनको बता भी दिया कि आप इसमें कोई स्टेप लीजिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया है। और मुझे लगता है कि इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, उससे पहले ही मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस सड़क की ओर थोड़ा सा अपना ध्यान दें। थैंक यू। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार।